हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और क्रिसमस आने वाला है तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल क्रिसमस स्पेशल एगलेस टूटी फ्रूटी केक बनाएंगे। बच्चों की फेवरेट और परफेक्ट टूटी फ्रूटी केक बनाने की एकदम आसान रेसिपी शेयर करूंगी। और ये देखिए, केक हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और आपको मैं ऐसे पास से भी दिखाती हूँ, ये एकदम जालीदार बना है और बिल्कुल बेकरी स्टाइल बना है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है एक बर्तन। केक के इंग्रेडिएंट को मेजर करने के लिए यहाँ मैंने लिया है एक इस तरीके का छोटा कटोरी, और हम इस तरीके का छोटा सा ग्लास या कप भी ले सकते हैं। और चलिए अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने कटोरी के मेजरमेंट से आधे कटोरी चीनी लेंगे। यहाँ मैंने चीनी का डायरेक्ट यूज़ किया, आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें एक कटोरी दूध डालेंगे। यहाँ मैंने दूध को गर्म करके रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। और अब हम इसमें आधा कटोरी कुकिंग ऑयल डालेंगे। यहाँ मैंने अनफ्लेवर कुकिंग ऑयल का यूज़ किया, आप इसकी जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच कंडेंस मिल्क, या आप 1/4 कटोरी कंडेंस मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लेंगे टूटी फ्रूटी और इसमें आधा चम्मच मैदा डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इससे टूटी फ्रूटी हमारे बहुत ही अच्छे ड्राई हो जाएंगे। और अब हम इसे साइड में रखेंगे। और अब हम वेट इंग्रेडिएंट या केक बनाने वाले गीले इंग्रेडिएंट में 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। ये आपको किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में इजीली मिल जाएगा। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट को इस तरीके से विस्कर से चलाते हुए हाथ से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मिला लेंगे, जिससे चीनी हमारे अच्छे से घुल जाएंगे और सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। और अब हम इसमें 2 कटोरी मैदा डालेंगे। यहाँ मैं एक ही कटोरी से सारे इंग्रेडिएंट को मेज़र कर रही हूँ। अगर आप कप या ग्लास का यूज़ कर रहे हैं तो उसी का यूज़ करें। मैदा को हल्के हाथों से इस तरीके से विस्कर से चलाते हुए हम सारे वेट इंग्रेडिएंट में मैदा को मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मैदा हमारा बहुत अच्छी तरीके से वेट इंग्रेडिएंट में मिक्स हो गया है। हम इसे इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमें बैटर को क्लॉकवाइज ही घुमाना है, नहीं तो केक हमारा बिल्कुल भी परफेक्ट तरीके से सेट नहीं होगा। बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, हम इसमें 1/4 कटोरी पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसे हल्के हाथों से चलाते हुए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी की जगह आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बैटर में अच्छा शाइन आ गया है और बैटर हमारा काफ़ी स्मूद हो गया है और इसके सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। 1/4 चम्मच से भी कम हम इसमें नमक डालेंगे, इससे केक का फ्लेवर और बढ़ जाएगा। और यहाँ मैं ली हूँ येल्लो फूड कलर, हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप येल्लो फूड कलर डालेंगे, जिससे टूटी फ्रूटी केक में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और केक हमारा बिल्कुल बेकरी जैसा या बेकरी स्टाइल लगेगा। और अब हम इन सभी को भी एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं बैटर में फूड कलर और सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ और लम्स फ्री है। और अब हम इसमें मैदा मिक्स किए हुए टूटी फ्रूटी डालेंगे। हम इसमें 1/2 टूटी फ्रूटी डालेंगे और हम थोड़े से बचा के रख लेंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। और अब हम टूटी फ्रूटी को भी केक के बैटर में एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर को आप कट एंड फोल्ड मेथड से भी मिक्स कर सकते हैं। और अब हम केक के बैटर में 1 चम्मच विनीगर या वाइट सिरका डालेंगे। अब हम इसे भी विस्कर से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए केक के बैटर में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा काफ़ी अच्छा स्मूद और फ्लफी बन के तैयार हो गया है। और चलिए अब हम केक बनाते हैं। केक बनाने के लिए यहाँ मैंने एक केक टिन लिया है और इसमें बटर पेपर लगा के ऑयल से इसे मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देती हूँ कि बैटर डालते समय या केक बनाते समय, जब भी आप केक बनाएं तो बैटर को हम केक टिन में आधा ही फिल करेंगे। और अब हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डालेंगे। इस तरीके से टूटी फ्रूटी डालने से टूटी फ्रूटी ऊपर में ही रहेंगे। और अब हम इसके ऊपर मैदा मिक्स करके चेरी डालेंगे। यहाँ मैंने चेरी का यूज़ किया है, आप इसकी जगह कोई और भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं।
और अब हम चेरी डाल करके इसे अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे, जिससे केक और ज़्यादा हमारा सुंदर दिखेगा। और अब हम इसे इस तरीके से टैप कर लेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा एयर बाहर निकल जाएगा। केक को बेक करने के लिए हम एक कुकर लेंगे और इस तरीके से एक प्लेट डालेंगे और इसके ऊपर हम केक टिन डाल करके इसे अच्छे से कुकर के अंदर सेट कर देंगे। यहाँ मैंने इसे नीचे में ही सेट किया है। इस तरीके के कुकर में केक बनाने से कई बार हाथ जलने का भी चांस बना रहता है, तो इस तरीके से अगर आप कुकर में केक बेक करेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और अब हम कुकर का ढक्कन लेंगे और इसके सीटी निकाल देंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसके सीटी को निकाल के अलग कर लिया है। और अब हम कुकर का अच्छी तरीके से ढक्कन लगाएंगे जिससे इसके अंदर बना गर्म एयर बाहर नहीं निकलेगा। केक बेक करने के लिए हम गैस ऑन करेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे हम कुकर को डाल करके इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही गर्म होने देंगे, जिससे कुकर हमारा जल्दी हीट होगा। और हम इसे मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक होने देंगे। आप कुकर की जगह सेम तरीके से ही कढ़ाई में भी केक बेक कर सकते हैं। और अब हम गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम कर देंगे और कुकर रखकर हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे। 25 से 30 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे और केक को बेक होते हुए 30 मिनट हो गए हैं। और अब हम इसे चेक कर लेंगे। इसके लिए हम एक क्लीन नाइफ लेंगे, चाकू को हम केक के बीच में डालेंगे और इसे निकालेंगे। और ये देखिए, चाकू हमारा एकदम क्लीन निकला है। इसका मतलब है कि केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो गया है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और केक को ठंडा होने देंगे। और आप देख सकते हैं केक ठंडा हो गया है। और अब हम नाइफ से इसके साइड को कट कर लेंगे। और ये देखिए, चाकू से यहाँ मैंने केक के साइड को कट कर लिया है। और अब हम एक इस तरीके से प्लेट लेंगे और प्लेट पे हम केक को इस तरीके से पलट देंगे। और ये देखिए, केक हमारा इजीली निकल गया है केक टिन से। हम इसके बटर पेपर को इजीली इस तरीके से निकाल लेंगे या रिमूव कर लेंगे। और चलिए अब हम केक को पलट देते हैं। और आप देख सकते हैं केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। केक पलटकर हम इसे सीधा कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल करके हम इसे केक को अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने इसे टूटी फ्रूटी डाल के अच्छे से सजा दिया है और केक हमारा बिल्कुल बेकरी जैसा बन के तैयार हुआ है। और ये ऊपर से जितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, अंदर से उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। और अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये अंदर से भी बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप देख सकते हैं केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इस तरीके से आप केक बच्चों के बर्थडे पार्टी या क्रिसमस पे इजीली बना सकते हैं। तो बाहर बेकरी का महंगा केक खरीदने की बजाय आप इस तरीके से घर पर ही फ्रेश टूटी फ्रूटी केक बनाएं। घर पर बच्चे हो या बड़े, इस तरीके से अगर आप केक बनाएंगे तो सभी आपकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो, आप इस केक की रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, अब मैं आप सबके साथ मिलूँगी एक और नए रेसिपी में।